नमस्कार, कंज्यूमरिस्ट किंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। दिखावे पर मत जाइए, थोड़ी अकल लगाइए। ये बात आज इसीलिए कह रही हूं क्योंकि आए दिन मैट्रिमोनियल साइट्स पर ठगी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। अच्छे जीवन साथी की तलाश भले किसे नहीं होती, मगर जीवन में कई बार मन के चाहने से कुछ हासिल नहीं होता और ऐसे लोगों के लिए उम्मीद बनकर आई मैट्रिमोनियल साइट्स। ऐसा नहीं है कि इन प्लेटफॉर्म से जोड़ियां नहीं बनती, बिल्कुल बनती हैं, मगर इन दिनों मैट्रिमोनियल साइट्स पर लोगों के साथ फ्रॉड भी खूब हो रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शामली की एक घटना ने हैरान कर दिया है। यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट की एक अधिकारी के साथ धोखा हुआ। यहाँ डिप्टी SP श्रेष्ठा ठाकुर के साथ धोखाधड़ी की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल साल 2018 में मैट्रिमोनियल साइट के जरिए उन्होंने जिस IRS अफसर से शादी की थी वो फर्जी निकला। अब ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी दोधारी तलवार है जिसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। डिजिटल दुनिया में आपके साथ इस तरह का फ्रॉड ना हो, इसके लिए कंज्यूमरिस्ट किंग वक्त वक्त पर आपके लिए जागरूक करने वाले शोज लाता रहता है। और आज मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका ही हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बरखा त्रेहन, एक्टिविस्ट अधीश जावेरी, हेड ऑफ मार्केटिंग शादी.com, अनुज अग्रवाल, साइबर एक्सपर्ट। आप सभी का कंज्यूमरिस्ट किंग की बेहद खास पेशकश में स्वागत है। लेकिन अधीश, आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि आप बहुत ही क्लोज हैं इस व्यवसाय से, इसी सेक्टर में आप काम भी करते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट से हम इस तरह के धोखाधड़ी का कोई मामला सामने आता हुआ देख रहे हैं। जब भी इस तरह के मामले उठते हुए आए हैं तो हमेशा हमने देखा है कि मैट्रिमोनियल साइट्स और उनके कामकाज के तरीके, उनके स्क्रीन करने के तरीके, फिल्टर करने के तरीकों को लेकर सवाल उठते आए हैं। और अभी तो यहाँ पर डिप्टी SP की क्योंकि बात हो रही है तो मामला बहुत ज़्यादा भी विशेष हो जाता है। कहाँ चूक हो जाती है मैट्रिमोनियल साइट से अधीश? तो देखिए, पहले तो मैं एक थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि 99% से ज्यादा लोग जो आते हैं मैट्रिमोनियल साइट पे उनको कभी स्कैम नहीं एक्सपीरियंस होती। हमारे पास काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेड है जिसकी वजह से हम वेरिफिकेशन कर पाते हैं, हम लोगों के बैकग्राउंड चेक करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई जो गलत इंटेंशन से आया हो वो आ ना पाए। देखिए, कोई भी जगह 100% सेफ तो होती नहीं है, तो आई थिंक इसमें एक थोड़ा टू वे स्ट्रीट होता है कि कुछ हमारी तरफ से वो एक कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग जर्नी है कि हम उसको बेटर करते रहे, और उसके साथ साथ हमारा बहुत सारा एडुकेशन होता है कस्टमर्स के लिए और मेंबर्स के लिए, जहां हम उनको साफ साफ हर एक लाइफ स्टेज पे बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कॉमन चीज है, राइट, कि अगर आप किसी को मिले नहीं हो तो आप उनसे बिल्कुल पैसा मत दीजिए, आप क्यों उनको पैसे देंगे। अगर आप किसी को पहली बार मिल रहे हो तो आप उनको एक पब्लिक स्पेस में मिलिए। कभी भी अपने पर्सनल प्राइवेट डिटेल्स शुरुआत में नहीं शेयर करनी चाहिए, ये सबको पता है, राइट। जब तक आप बंदे या बंदी से एक जान पहचान नहीं हो जाती, आप फिजिकली नहीं मिलते, आपके सारे पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल्स आपके पास ही रहने चाहिए, आपको शेयर नहीं करने चाहिए। दूसरा, आई थिंक एक कॉमन चीज है, आज अगर कोई भी 25 या 25 से 35 साल के बीच में कोई हो या 40 साल के बीच में, तो उनका काम होता है एक सोशल मीडिया पे सबका प्रेजेंस होता है, उनका एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट होगा, फेसबुक पे होगा, लिंक्डइन पे होगा, आप थोड़ा अपनी तरफ से बैकग्राउंड चेक भी कर सकते हैं। तो हमारा यही है कि हम हमारे कस्टमर्स को कंटिन्यूअसली एडुकेट करें। उसके अलावा हमारे साइड से एक 5-स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, जहां पे एक मशीन वेरिफिकेशन होती है पहले, फिर एक ह्यूमन बीइंग मैनुअल वेरिफिकेशन करते हैं जहां पे हम देखते हैं कि फोटो सही लगी है कि नहीं, या कोई एक्टर की फोटो डाल दी है या किसी और की फोटो डाल दी है। उसके बाद एक हमारा जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं IP बेस्ड स्क्रीनिंग, वो होती है जहां पे हम को पता है कि पिछले 20 साल में किस टाइप के लोग फ्रॉड करने के लाइकली है, तो हम उनको हटा देते हैं प्लेटफॉर्म से। तो तकरीबन हम रोज यही प्रोसेस के चक्कर में कम से कम 20 या 25 तक का प्रोफाइल्स को आने देते नहीं है, क्योंकि ये सारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के लिए शायद राइप है। तो हमारे तरफ से बहुत सारी एफर्ट्स होती है। आप शुरुआत में कहा,
आपने कहा कि एक आपको जो है आप लोग वेरिफिकेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन शख्स को भी अपने सामने से जानकारियां नहीं देनी चाहिए, उन्हें भी सतर्कता बरतनी चाहिए। क्या इस तरह की कोई डिस्क्लेमर या इस तरह की कोई समझाइश आप अपने यूज़र्स को देते हैं जब वो वेबसाइट पर आपके पास आते हैं या लॉग इन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, क्या इस तरह का कोई मैंडेट या कोई गाइडलाइन आप उनको देते हैं? बिल्कुल, हर एक स्टेप पे मिलता है। अगर कोई आज रजिस्टर करता है, उनको पहले एक जो वेलकम मेल आती है, वहां पे पूरा डिटेल्ड कम्युनिकेशन होता है कि आपको क्या, किस बात के लिए आपको कॉशियस रहना चाहिए, किस बात पे आपसे आपको किस टाइप के कस्टमर्स के साथ, आपको अगर किसी को मैच दिख रहा है आपको, तो आपको कौन सी डिटेल्स नहीं शेयर करनी चाहिए, आपको किस तरह उनसे पहली बातें करनी है, उसके बाद ही आप। तो अनुज, अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि जब मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स इतने तमाम तरह के कदम उठा रहे हैं और उसके बावजूद भी ऐसे सारे किस्से हो रहे हैं, तो फिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन हो? देखिए, सवाल जो हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी का, कौन होगा इसके पीछे अकाउंटेबल, कौन लेगा इसकी अकाउंटेबिलिटी? कोई तो होगा जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ चूक हुई है। क्या उसको पिन पॉइंट कर पाना मुमकिन है? अनुज, मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर जब कोई जाता है ना, तो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे सपने लेकर जाता है, अपने लिए एक पार्टनर की तलाश करने के लिए जाता है, और जब इस तरह का हादसा उनके साथ हो जाता है तो वो फाइनेंशियल फ्रॉड की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन मानसिक तौर पे जो सदमा लगता है, जो दुख पहुंचता है, वो तो उसका तो आप वर्णन कर ही नहीं सकते ना। कौन अकाउंटेबल होगा अनुज इसके पीछे? मैट्रिमोनियल साइट्स जो हैं, वो अलग तरह के इंटरमीडियरीज हैं, वो एक नॉर्मल अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे नहीं है कि वो कोई कमोडिटी बेच रहे हैं और किसी ने खरीद ली और अगर सामान अच्छा नहीं लगा या खराब निकल गया तो वो वापस कर सकता है और उसके बदले में मॉनेटरी कंपनसेशन ले सकता है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक सोशल सर्विस है और ये एक सोशल ऑब्लिगेशन है। इट्स ए वेरी डिफरेंट पेडेस्टल, एज यू ऑल्सो राइटली मेंशन, कि कोई भी व्यक्ति जो किसी मैट्रिमोनियल साइट पर जाता है तो वो कई सपने लेकर जाता है और उसमें काफ़ी लोग यंग होते हैं, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो ब्रेन का इस्तेमाल कम करते हैं और हार्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल, उसमें कुछ गलती नहीं है। तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो बहुत सारा ड्यू डिलीजेंस वगैरह करेंगे, क्योंकि वो उतने एक्सपीरियंस्ड नहीं है, ये सारा का सारा जो हैवी लिफ्टिंग है वो मैट्रिमोनियल साइट्स को करना चाहिए, जो कि पहले जो मैरिज ब्रोकर्स होते थे वो करते थे, तभी लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते थे। अब चूंकि ये उनके रोल में आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूं कि इसको नहीं होना चाहिए, इनको होना चाहिए, लेकिन जो हैवी लिफ्टिंग वो लोग करते थे, जिसको हम लोग पहले मजिया या मिडिल मैन बोलते थे, ये जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं ये सिर्फ अपने रेवेन्यू और नंबर्स पे ध्यान देते हैं और कर्सरी, केवल नाम के लिए कुछ KYC कर लेना या किसी का कार्ड ले लेना, आधार कार्ड वगैरह ले लेना, इसके आगे कुछ भी नहीं है, या फिर ज्यादा से ज्यादा आपने एक फोन नंबर का वेरिफिकेशन कर लिया। तो ये जो मैकेनिज्म है ये बिल्कुल भी फेल्ड है, फ्लॉप्ड है। बिल्कुल, लग तो यही रहा है अनुज, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मेरे ख्याल से इस बात का जवाब तो अधीश को भी देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अधीश अकाउंटेबिलिटी तो बनती है ना मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स की भी। तो मैं आपको दो तीन चीजें समझा देता हूँ। एक क्या होता है, जो बुरी घटनाएं होती है राइट, वो बहुत ज्यादा उभर के आती है, उसके साथ जो अच्छा हो रहा है मैट्रिमोनियल साइट पे वो बातें नहीं होती इनफ। पहले जो आप, अगर आप पुराने मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे, इस मामला ये नहीं है कि जो अच्छी बातें होती हैं वो हाईलाइट नहीं होती है, उम्मीद ही यही होती है मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर जाने की कि कुछ अच्छा ही होगा। प्रॉब्लम तो तभी उठती है ना कि जब गलत हो, खबर तब बनती है और तूल तब पकड़ता है मामला जब कुछ गलत बात हो। अच्छा होने की उम्मीद तो यूजर करता ही है और वो खबर बनने होने वाली कोई बात है नहीं वैसे, क्योंकि उम्मीद ही आपसे यही है कि आप जीवन साथी देंगे हमको और एक पार्टनर देंगे हमको। आपसे हम आपको वही समझा रहे हैं कि 99% से ज्यादा लोग को कभी कोई फ्रॉड एक्सपीरियंस होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे इतने सारे चेक्स और बैलेंसेस इन प्लेस है। दूसरी चीज, हम पूरी तरह से लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के साथ काम करते हैं अगर किसी को कोई इश्यू होता है। थर्ड, आई जेन्युइनली फील कि अगर आप किसी
नए इंसान को पहली बार मिल रहे हो, आपको अपने पर्सनल डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स देने नहीं चाहिए। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है जब आप किसी स्ट्रेंजर को आप पहली बार मिल रहे हो, आप आपके अपने पर्सनल डिटेल्स जब तक आप उनको जाने ना पहचाने ना आप ना दें उनको। उसकी आई एम सेइंग इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे तरफ से काफी सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं कि जो टिपिकल फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो कभी आए नहीं प्लेटफॉर्म पे। तो वी है ना, ऑप्शन आप एंश्योर लोग ओपन क्यों रखते हैं? अगर उनको नहीं देनी चाहिए पर्सनल डिटेल्स, तो इस तरह का ऑप्शन आपकी वेबसाइट पर होता क्यों है, अगर होता है तो? व्हाट पर्सनल, सॉरी आप थोड़ा वापस पूछ सकते हैं सवाल? मैं आपसे ये बोल रही हूँ, आप कह रहे हैं पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर करनी चाहिए, तो पर्सनल डिटेल्स देने का ऑप्शन ही आप लोग क्यों रखते हैं फिर? आप लोग अपने ऑप्शंस को और अपने पूरे यूजर इंटरफेस को बदल क्यों नहीं देते हैं? थोड़ा सा और सिक्योर क्यों नहीं बना देते हैं? प्राइवेसी और दुरुस्त क्यों नहीं कर देते हैं फिर आप? जब इस तरह की चीज़ें नहीं डिस्कस होनी चाहिए, नहीं शेयर होनी चाहिए, उसकी वजह से अगर मामले बढ़ रहे हैं, तो आप लोग को तुरंत कदम उठाने चाहिए। आप प्राइवेसी 100% है आपके पास, हम पूछते नहीं है पर्सनल डिटेल्स, वी चलिए, आस्क मेरे यू साथ व्हाट्स बरखा रेलेवेंट। त्रेहन भी जुड़ गई हैं, जो एक्टिविस्ट हैं। बरखा, मैम तो यहाँ आप पर बात हो रही है मैटरनल वेबसाइट्स पे जो फर्जीवाड़ा होता है, धोखाधड़ी होती है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अधीश साहब तो शादी.com से हैं, उन्होंने पूरा कहा कि सब प्राइवेसी और तमाम तरह के टूल्स जो हैं, फिल्टर वेरिफिकेशन, सब कुछ प्रोसेस में है। अनुज का भी ये मामला है कि कोई अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि वो सवाल उनसे रखा गया था कि अकाउंटेबिलिटी कोई तो लेगा, आप क्या मानती हैं, कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी? देखिए, बहुत सारी धोखाधड़ी हो रही है इन मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाकर के। सिर्फ पैसे कमाने का धंधा बना रखा है इन्होंने, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इतना ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। ये जो बोल रहे हैं कि एकाध केस जो होता है हाईलाइट हो जाता है जिसमें गड़बड़ होती है, एकाध केस नहीं है, यहाँ सैकड़ों केसेस हैं जहां धोखाधड़ी हो रही है। फेक आइडेंटिटी, हर चीज वहां पर, हर चीज फेक है। यहाँ तक कि जो वो जॉब्स कर रहे हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन वो वहां डालते हैं, वो तक फेक होती है। और जब बाद में परेशानियां लड़की या लड़के को होती हैं, तो आपको अप्रोच करते हैं, तब भी आप उसे मानने के लिए तैयार है, अपने सिरे से खारिज कर देते हैं। देखिए, हर प्रॉब्लम तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमें सोल्यूशंस भी ढूंढने चाहिए। और अकाउंटेबल आप हैं, इस बात को आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना बेहतर होगा। क्योंकि आप कहते तो हैं कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं समाज के लिए, लोगों को जोड़ रहे हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स, लोगों के पूरे भविष्य, पूरा फ्यूचर, किसी की बेटी या बेटे का फ्यूचर आपके ऊपर टिका हुआ है, आप बिल्कुल किनारा कर लेते हैं। आप उसकी क्या हेल्प करते हैं जब वो फंस जाता है, जब वो आपको अप्रोच करता है, तो आप बस ऐसा कह देते हैं कि ये आपकी जिम्मेवारी थी, नहीं, बिल्कुल भी आपको नहीं, चेक करना चाहिए नॉट था। एट तो आप ऑल। पैसे किस बात के लिए ले रहे हैं? आप जो इतनी हेफ्टी अमाउंट चार्ज करते हैं, बहुत हेफ्टी अमाउंट चार्ज करते हैं। बहुत ही सीधी बात है, अगर किसी को कोई प्रोफाइल पे सस्पेक्ट है, डाउट है, उनके लिए एक सिंपल टू स्टेप मैकेनिज्म जो पहले पेज पे होता है वो होता है कि आप रिपोर्ट कर सकते हो प्रोफाइल, हमारी तरफ से विद इन 24 आवर्स वो प्रोफाइल ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद हम वेरिफिकेशन चेक करते हैं कि ये जो कंप्लेन की गई है वो सही है या गलत है। अगर वो कंप्लेन सही निकली तो वो प्रोफाइल कभी भी प्लेटफॉर्म पे वापस नहीं आ सकती। दूसरा, अगर किसी के साथ फ्रॉड एक्सपीरियंस हुआ है, हम सारे पुलिस अथॉरिटीज, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के साथ वी वर्क क्लोजली, हम उनके सारे डिटेल्स जो शेयर मांगते हैं वो शेयर करते हैं ताकि जस्टिस मिल सके लोगों को। सो देर इज अ लॉट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज जो हमारी तरफ से होती है टू एंश्योर दैट अगर किसी को के साथ फ्रॉड हो या किसी को कुछ सस्पेक्ट लगे तो हम उनकी उनपे एक्शन तुरंत लेते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है अगर आप कहें कि हम हाथ उठा देते हैं और हम कुछ नहीं करते इसके बारे में। हर खबर अब आपकी भाषा हिंदी में। इस समय मुझे लगता है डिमांड से ज्यादा सप्लाई की वजह से क्रूड प्राइसेस ऊपर जा रहा है। बनिए चुटकी में चतुर, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। जल्द लॉग इन करें etnowswadesh.com पर। बढ़ो बदलो देश के साथ। छत टपक रही है। अरे शिफ्ट करने वाले हैं ना पापा, बस घर मिलने की देर है, इसीलिए तो घर मैजिक ब्रिक्स पे देखिए, प्रॉपर्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन विद एक्सपर्ट एडवाइस और 15 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी ऑप्शंस हैं। गुड, एटलीस्ट मेरा घर तो लाखों में एक होगा। ये लीजिए एक खोखा, मुझे दे दो। हमारी भुजिया ऑलरेडी करोड़पति है, आप खाइए अपना खोखा। अनुज
अनुज मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने मामले हैं, आपको तो लगातार ये सारे केसेस आते होंगे ना अनुज। मुझे कोई केस बताएं कि आपने क्या पनिशमेंट दिलाई है, किसी के भविष्य का सवाल है, किसी के बेटे का भविष्य का पूरा भविष्य निर्भर करता है। अच्छा आदिश एक केस बता दीजिए जो सुलझाया गया है, जहां पर लीगली हमने सजा मिलती हुई देखी हो, कुछ बता दीजिए। बरखा केस ही जानना चाह रही है आपसे। मैम हम वी आर नॉट पीपल हु कैन गिव पनिशमेंट, हमें कंपनी है, हमारा काम है सपोर्ट करना लीगल अथॉरिटीज के साथ, अगर उनको अनजस्टिस दिलवाने के लिए हेल्प करना। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं लीगल अथॉरिटीज, बरखा जी आप थोड़ा सा वेट करिए जी। अनुज जी, आई एम ट्रेनर एंड आई एम सपोर्टिंग ऑल द लीगल अथॉरिटीज अक्रॉस द कंट्री एंड लॉट ऑफ ई कॉमर्स मैटर्स कम टू मी इंक्लूडिंग दीज वेबसाइट। एज आई हैव रेज्ड इन द बिगिनिंग, मैंने पहले भी बताया कि ये आपको सपोर्ट करने में आप जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स उनसे लेते हैं वो आप उन्हें दे देते हैं जो कि फर्जी होते हैं। द क्वेश्चन इज कि जिस सोशल प्लेटफॉर्म को आप चला रहे हैं, सोशल एंटरप्राइज को आप चला रहे हैं, उसके अंदर जैसे कि हम ये DSP वाले मैटर में देखते हैं कि किसी ने अपने आप को IRS बता के वहां पर अपनी प्रोफाइल बनाई, तो क्या आपने ये चेक किया कि वो बंदा IRS है, क्या उसकी पोस्टिंग रांची में है, क्या इस टाइप का बंदा जिसकी आपने कहा कि आप फोटो चेक करते हैं तो सरकारी डिपार्टमेंट में उसकी फोटो निश्चित रूप से लगी होगी। अब अगर कोई इतनी हाई प्रोफाइल बना रहा है आपके यहाँ प्रोफाइल अपनी, तो आप उसकी प्रोफाइल को क्रॉस चेक करिए कि क्या ये पर्सन जो है पब्लिक रिकॉर्ड्स में इसका डेटा अवेलेबल है, क्या इसकी डेट ऑफ बर्थ और इसकी फोटो मैच कर रही है, क्या इसका आधार है। जी। ये तो आप ही का काम है, अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो, अगर लोगों को अपना काम खुद ही करना है तो फिर आपकी साइट की जरूरत ही क्या है। यू कैन ऑलवेज लुक एट द IRS का जो लिस्ट है एंड दे कैन स्टार्ट कॉन्टेक्टिंग पीपल। बिल्कुल, अगर आप इस सोशल एंटरप्राइज को रन करें, सी यू आर नॉट Flipkart, यू आर नॉट सेलिंग सोर्स, यू आर नॉट सेलिंग फीलिंग्स, आई एम सॉरी, हम एक सोशल एंटरप्राइज नहीं है, हम एक बिजनेस है, हमारा एक गोल होता है। दूसरी चीज, आप जो बोल रहे हो, हमारा काम है लोगों को मिलाना, उनको एक प्रोस्पेक्ट से मिलवाना, मैच मेकिंग का काम है ये। तो लोग जो आप बोल रहे हो कि बाहर जाके ढूंढ लेंगे, नहीं होता ना उनसे, क्योंकि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पे उनको अगर आपने किसी व्यक्ति को मिलवाया और उसकी प्रोफाइल फेक निकलती है तो इट इज ए क्लियर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और इट इज ए सीरियस लीगल इम्प्लीकेशन ऑन यू कि आपने किसी व्यक्ति को XYZ बताया जिसकी प्रोफाइल ABC है या उसका अधिकारी है वो, और अगर वो नहीं है तो आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं, कानूनी प्रक्रिया आपके खिलाफ होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल क्लियर लॉ है। आप लॉ एनफोर्समेंट को हेल्प करने की बात ही नहीं है, यू योर सेल्फ इज यू नो अवेटिंग ऑल दिस, तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। यू आर नॉट ए, you cannot say you are a pure business, you are a social business, there is a difference. No, it's not true. जिस तरह से हम केसेस की तादाद भी बढ़ती हुई देख रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आपको संज्ञान लेना होगा ना। हाँ बरखा बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कविता जी, देखिए अकाउंटेबल ये हैं, हाँ, और इन्हीं को जवाब देनी पड़ेगी। किसी का भविष्य वैसे बर्बाद हो गया, अभी तो अपने हाई प्रोफाइल था तो हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस जानती हूँ जहाँ पे तो लोगों ने आत्महत्या तक कर ली क्योंकि पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। बहुत परेशानियां होती है, पेरेंट्स इतना परेशान हो जाते हैं, सराउंडिंग के उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो बाकी के लोग हैं, एक्सटेंडेड फैमिली, सब इतना परेशान हो जाते हैं इसके बाद, इस फ्रॉड के बाद, और दे आर नॉट अकाउंटेबल, और ये बस पल्ला झाड़ नहीं, वो तो मैं बोल ही रही हूँ ना, ये केवल एक फाइनेंशियल फ्रॉड की बात नहीं हो रही है, ये मानसिक तौर पर भी आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है ना, क्योंकि आप एक पार्टनर ढूंढने जा रहे होते हैं इस मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे, तो मैट्रिमोनियल वेबसाइट ये कह के पालना नहीं झाड़ सकती ना कि हम केवल लोगों को मिलाते हैं और हमारा काम खत्म हो गया है, लोगों को मिलाते हैं तो वो लोग सही और सच्चे भी तो होने चाहिए ना, ये कौन सुनिश्चित करेगा आदिश? देखिए मैम, there are sufficient verifications, आप कस्टमर की तरफ से सोचिए, let's वहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है? एक बात, मैं मान लो मैं IRS का बंदा हूँ, मैं genuine profile हूँ, तो आपकी verification बरखा जी बताइए कितनी close to reality है, बरखा बताइए कितनी close to reality है इनकी तमाम verifications, ये बोल रहे हैं कि जितनी जरूरी होती है वो सब होती है। कविता जी सिर्फ पैसे आ गए जेब में, इनका काम खत्म हो गई, वेरिफिकेशन गई बाहर में,
अच्छा ये वेरिफिकेशन में भी तो अनुज वेरिफिकेशन में भी तो वो भी होगा ना, आप बन जाइए प्राइम मेंबर, आप बन जाइए सुपर प्राइम मेंबर, और अगर आपने कोई पैसे डाल नहीं रखे तो फिर कोई भी जो है आपके वेबसाइट पर आ जाएगा और आपका दूल्हा या दुल्हन बनने की कोशिश करेगा है। वेरिफिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है प्लीज ये भी तो हमें समझना जरूरी है। आदिश जी की जो बात है कि वो वेरिफिकेशन करते हैं, किसी ने अपने आप को IRS बताया और अपना नाम पता बताया और उसकी वेरिफिकेशन आपने की, हाँ ठीक है, लेकिन वो फेक है या नहीं है इसकी वेरिफिकेशन करने का जो तरीका है कि आप उसकी प्रोफाइल के रिकॉर्ड को चेक करिए, अपनी टीम रखिए और ऐसे लोगों से कॉन्टेक्ट करिए सेपरेटली और ये इंश्योर करिए कि वो सही जानकारी दे रहे हैं। अगर सिर्फ हमें एक आई कार्ड के बेसिस पे या फोन नंबर के बेसिस पे जानकारी करनी है तो आज हम सभी को पता है कि साइबर फ्रॉड जो कि लाखों की संख्या में हो रहे हैं और तमाम फेक आईडी कार्ड मार्केट में और फेक सिम नंबर मार्केट में इशू हो चुके हैं, तो फिर ये तो उसी तरह की बात हुई। वहां पे बहुत डिफरेंस है, किसी का लाख दो लाख पांच लाख का नुकसान हुआ है तो वो अपनी लाइफ में उसको एडजस्ट कर सकता है कि मेरे 5 लाख चले गए। यहाँ एक बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है, ये बिल्कुल अलग तरह का बिजनेस है। और जो लोग अगर इस बात को नहीं मानते हैं कि वो एक अलग तरह का सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहे हैं इन द प्रोसेस, दे आर ऑल्सो मेकिंग मनी विच इज वेरी मच फाइन। किसी को समाज में आप कोई अच्छा काम करके दे रहे हैं और उसके लिए आप एक फीस ले रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्या जो फीस आप ले रहे हैं, जो ट्रस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, क्या आप उस क्राइटेरिया पे खरे उतर रहे हैं, क्या आप तो, उन लोगों को वाकई में तो वो ट्रस्टेड प्रोफाइल दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। और जैसा बरखा जी ने भी मेंशन किया, मेरे पास एक नहीं कम से कम 100 या मैं अगर 1000 भी कहूं तो ज्यादा नहीं होगा ऐसे मामले हैं जो कि लोगों को वेबसाइट से मैट्रिमोनियल वेबसाइट से धोखा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें आदिश डायरेक्टली जिम्मेदार है और आदिश चाह रहे थे कि इस आदमी का नुकसान हो, बिल्कुल भी नहीं है। इनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों की लाइफ हैप्पी हो, उन्हें अच्छे मैच मिले, लेकिन उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए जिस तरह का ड्यू डिलीजेंस रिक्वायर्ड है वो मिसिंग है और वो आप ही की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं है कि आप उसको करें। अनुज जी, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, राइट। अगर आप कस्टमर की तरफ से सोचिए, मैं कैसे करूंगा एक बंदे का वेरिफिकेशन, मैं उनसे सैलरी स्लिप पूछ सकता हूँ, उनके एम्प्लॉयमेंट लेटर्स पूछ सकता हूँ, वो डिटेल्स पूछ सकता हूँ। अगर कस्टमर रेडी नहीं है देने के लिए, क्योंकि उनका वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, तो बात ही नहीं बन सकती। आप अपनी वेबसाइट पर लिख दीजिए कि हमने इस पर्सन का सैलरी स्लिप कंपनी से मांगा था या इस बंदे से मांगा था, ये नहीं दे रहा है। मैंने इसका एम्प्लॉयमेंट लेटर का कॉपी मांगा था, ये नहीं दे रहा है। कम से कम जो दूसरी पार्टी है ही नोज कि आइदर ही हिमसेल्फ इट इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद द जो लेवल ऑफ वेरिफिकेशन हो रही है वो एकदम एक्सप्लिसिटली मेंशन हो जाती है वहां पे कि हमने क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। देयर इज इनफ क्लैरिटी ऑन व्हाट समबडी नोज अबाउट दैट पर्सन। हमने बहुत कोशिश की है, लोग नहीं शेयर करते हैं। पॉइंट बताना चाहूंगी, ज्यादातर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं जो मैच मेकिंग प्रोसेस में आपसे मदद लेते हैं, तो उस केस में आपको और ज्यादा श्योर करना पड़ेगा कि सारे डॉक्यूमेंट जो है रीचेक हो, 10 times रीचेक करिए, क्योंकि किसी की लाइफ का सवाल है। और अगर आप चेक नहीं कर सकते तो बंद कर दीजिए। सेकंड, अगर आपने जो चेक कर ली है और उन्होंने कोई चीज नहीं दी है तो पहले तो आप मैंडेटरी करिए कि सारी चीजें देनी आवश्यक है, हर चीज जो है ऑथेंटिकली चेक होनी चाहिए। और अगर नहीं दे रहा है तो वो मेंशन करिए क्लियरली कि हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये चीजें इन्होंने नहीं दी, तो जो उसको वॉच कर रहा है वो उसे भी छोड़ सकता है, वो ऑप्शन लेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा ना हो कि एक हाई प्रोफाइल केस आए, वो पूरे देश में चर्चा बने, बस हम उसे डिस्कस करेंगे, जो बाकी के जो केसेस है जो मर गए, जो कि कभी जिसके बारे में ना किसी ने सोचा, ना किसी ने बातचीत करी, ना कोई चर्चा हुई,
वो मर गए, उनमें लोग भी मर गए और केसेस भी मर गए, तो क्या हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे? ये बहुत बड़ा दायित्व है आपने जब उठाया। मैं पर्सनली, मेरे को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सिर्फ ये मैट्रिमोनियल साइट्स के लिए बोल रही हूँ। आपने बहुत बड़ा दायित्व जब अपने कंधों पे लिया है तो उसे पूरा करने के लिए आपको अपनी टीम को और बढ़ाना पड़ेगा या उसके इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। ये लीगल चेक्स बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से शो को मुझे समाप्त करना है। मेंशन जी यार, टेलीकॉम के बिजनेस के अंदर ना बहुत ज्यादा कंप्लायंस करना पड़ता है हमें जी। तो एक जो सजेशन उनको दिया गया कि भाई आप इस काम को छोड़ के जूते बनाने का काम करिए जी, क्योंकि अगर आप कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं और आप एक क्रिटिकल सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां लोगों की पूरी लाइफ इस पर टिकी हुई है कि वो आपका जो सुविधा ले रहे हैं, अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो पूरा जीवन का अंत हो सकता है, मैडम बार बार बता रहे हैं, तो आप उस बिजनेस को छोड़ दीजिए या आप अपने उस बिजनेस को इतना फाइन ट्यून करिए। Please carry on this business. I am not at all against any of the sites. आप अच्छा काम कर रहे हैं. You are providing a very very good service. ये जो चर्चा है मेरे ख्याल से ये एक घंटा तक और चल सकती है, लेकिन मुझे ये शो समाप्त करना होगा। बिजनेस किस तरीके से सही ढंग से चलना चाहिए इसका तो हमने इन अधीश को पूरी बात समझा दी है, इनकी भी बात हमने सुनी है, लेकिन अनुज थोड़ा सा जाते जाते जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो मेरे ख्याल से इस तरह के मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर बहुत डिपेंडेंट भी रहते हैं या सही जगह समझते हैं, उन्हें आप किस तरह से कॉशियस रहने की सलाह देंगे, सावधानी से इन तमाम वेबसाइट्स पर कैसे इन्हें ब्राउज करना चाहिए, क्या सलाह होगी? हम सभी लोग कहीं ना कहीं आपकी सर्विस को प्रमोट करते नजर आएंगे, लेकिन आप ये कह के नहीं बच सकते कि अभी मेरे खिलाफ कोई कानून नहीं है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है और मैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक साइट चला रहा हूँ, आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो मत आइए, ये एटीट्यूड नहीं। एक तो बहुत आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है, आई डोंट थिंक हमारा ये एटीट्यूड है ही बिल्कुल, बट आप समझिए कि सेफ्टी जो एक पूरा ऑनलाइन साइबर सेफ्टी का जो टॉपिक है वो एक इवॉल्विंग टॉपिक है। हम जितने भी चेक्स एंड बैलेंसेस डालते हैं, देयर आर न्यू वेज फॉर पीपल फाइंड, न्यू वेज दैट पीपल फाइंड टू कमिट क्राइम, तो हम उससे इवॉल्व होते रह रहे हैं। अगर आप 5 साल पहले देखिए हमारे सेफ्टी के जो मेजर्स थे और आज देखेंगे, चलिए लेकिन आपने जब तक आप जब तक पूरी तरह से इवॉल्व होंगे तब तक हमें नहीं पता और कितने लोगों को इस फर्जीवाड़े या धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ेगा। बहरहाल तब तक मेरे ख्याल से तमाम दर्शकों और यूजर्स के हाथ में ही उनकी सुरक्षा है। इसी नोट पर मैं शो को समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।